करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्लास्टिक के बॉटल्स में प्लांट लगाकर दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये एक बॉटल था जिसको मैंने बीच में से काट दिया, इसके दो हिस्से हो गए तो मेरे पास दो प्लांटर बन गए। यहाँ पे मैंने ड्रेनेज होल भी बनाया है, आप देख सकते हो, और ये साइड में ऐसे हैंग करने के लिए मैंने दो होल्स भी बनाए हैं। दोनों पॉट्स में मैंने सेम किया है, और एक पॉट को मैंने ब्लू कलर किया है और दूसरे को रेड कलर किया है। आप चाहे तो इसमें अलग अलग डिजाइन्स बना सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे सिंगल कलर में ही पसंद है तो मैंने इसको ऐसे ही रखा है। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको इसकी पॉटिंग मिक्स जो मैं लेने वाली हूँ वो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है कोकोपीट, और ये है गार्डन सॉयल, और ये है कंपोस्ट। ये है घर में बनाया हुआ कंपोस्ट है मेरा, तो आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, जो भी खाद आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। तो जैसे कि ये प्लास्टिक का बॉटल है, जो हैंगिंग प्लांटर्स में जब हम कोई भी पौधा लगाते हैं तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि जो सॉइल मिक्सचर आप ले रहे हैं, पॉटिंग मिक्स जो आप ले रहे हैं, वो लाइट वेट होनी चाहिए। तो लाइट वेट बनाने के लिए आप कोकोपीट ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। कोकोपीट से जो है आपका पॉटिंग मिक्स बहुत लाइट रहता है, और लाइट वेट सॉयल ही हैंगिंग प्लांटर्स के लिए अच्छे होते हैं। तो ज्यादा आप हेवी सॉइल लेंगे तो आपका जो प्लांटर है वो गिर के टूट सकता है या तो गिर सकता है, तो इसीलिए मैं ऐसा सॉइल सजेस्ट करूंगी आपको। तो चलिए पहले इन पॉटिंग मिक्स को हम अच्छे से एक कंटेनर में मिक्स कर लेते हैं। तो पहले मैं ये लूंगी, ये देखिए ये कोकोपीट, उसके बाद मैं लूंगी ये गार्डन सॉइल, और उसके बाद ये कंपोस्ट। तो ये देखिए, ये मैं ऐसे इस सॉइल को अच्छे से मिक्स कर रही हूं। यहाँ पे ये देखिए, ये कोको फाइबर है, कोकोपीट के साथ ही ये मिलता है। ये जो है बारीक नहीं होता, ये थोड़ा सा कोर्स होता है, तो इसको मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ ड्रेनेज होल में। मैं कोई पत्थर नहीं दे रही हूँ, आप कोई भी ठीकरी दे सकते हैं, पत्थर दे सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, लेकिन मैं ये कोको फाइबर डालने वाली हूँ जिससे कि मेरा जो पॉटिंग मिक्स है वो ड्रेनेज होल से बाहर नहीं निकलेगा। तो इसमें भी मैं ये डालूंगी। और प्लास्टिक के बॉटल्स में लगाने के लिए जो ये चीज मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ, इससे मेरा पॉटिंग मिक्स जो है वो लाइट रहेगा। तो अभी मैं इसके ऊपर ये पॉटिंग सॉइल डालूंगी। तो ये मैंने फिलअप कर दिया है ये पॉटिंग मिक्स से। अभी मैं इसमें कौन सा प्लांट लगाने वाली हूँ ये आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक स्पाइडर प्लांट की बेबी ली है, तो इसको मैंने कुछ दिनों तक ऐसे वाटर में रख दिया था, पानी में रख दिया था, तो इसमें बहुत अच्छे से रूट्स निकल आए हैं, देखिए। तो अभी मैं इस प्लांट को जो है इस पॉट, अभी ये काफी नीचे लग रहा है, इसकी सॉइल को थोड़ा सा मैं दबा देने वाली हूं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये अभी काफी नीचे लग रहा है, लेकिन जब ये अच्छे से ग्रोथ करने लगेगा तब ये पौधा जो है लीव्स जो है अच्छे ग्रोथ करेंगे तो ये अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, अभी चलिए इसमें भी हम पॉटिंग मिक्स भरते हैं। ये देखिए, यहां तक मैंने इसको भर दिया है। अभी फ्रेंड्स, इसमें मैं क्या लगाऊंगी आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये है डंकी स्टेल, सो ये डंकी स्टेल मैं इस वाले पॉट में लगाने वाली हूँ, तो इसको मैं अभी निकालूंगी। तो मैं निकाल लेती हूँ फ्रेंड्स, तो इसको मैं रूट के साथ ही निकालने वाली हूँ फ्रेंड्स। इसको सावधानी से निकालना पड़ेगा, बहुत सेंसिटिव प्लांट है, टूट जाता है बहुत जल्दी, तो धीरे धीरे मैं इसको सॉइल से अपरूट करने वाली हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, हल्के हाथों से मैं इसको निकालने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इसको मैं हल्के हाथों से ऐसे बीच में इसको लगा दूंगी। और अभी मैं इसको ऐसे हल्के हाथों से इसको बीच में दबा दूंगी और थोड़ा सा पॉटिंग मिक्स इसके ऊपर डाल दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, तो और एक ये रूट्स के साथ मैंने और एक निकाला था, तो इसको भी मैं यहाँ पे ऐसे लगा दूंगी। तो ऐसे मैं इसको थोड़े हल्के हाथों से दबा दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स कैसा लग रहा है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया है। तो फ्रेंड्स अभी मैं ऐसे नायलन के रस्सी लिए हैं मैंने, तो इसको मैं ऐसे यहाँ पे हैंग करने के लिए ऐसे इसको घुसा दूंगी। ये देखिए, ये देखिए, और इस साइड में भी मैं सेम तरीके से करने वाली हूँ। देखिए ये मेरे दो हैंगिंग प्लांटर्स बनके तैयार हो गए हैं। कैसा लग रहा है आपको? मैंने ये स्पाइडर प्लांट और ये जंकी स्टेल लगाया है। आप मनी प्लांट और बहुत सारे ऐसे हैंगिंग प्लांट्स लगा सकते हैं, और ऐसे वेस्ट बॉटल्स को क्रिएटिवली यूज कर सकते हैं अपने गार्डन को सजाने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये क्रिएटिविटी आपको अच्छी लगी है, और आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल में जो नए हैं मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने प्लांट्स का खूब सारा ख्याल रखिएगा, एंड हैप्पी गार्डनिंग।